नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G और हम बात करने वाले हैं इस फोन के कैमरा ऐप में मिलने वाले टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में। तो ये जो हिडन फीचर्स है जो आपको देखने मिलते हैं कैमरा ऐप में, ये काफी शानदार और यूजफुल है आपके लिए। तो अगर आपके पास ये फोन है तो आपको इन फीचर्स को जरूर यूज करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैमरा ऐप में मिलने वाले उन सभी 10 हिडन फीचर्स को वन बाय वन। जैसे कि आपको पता होगा इस फोन में आपको मिलता है 108 MP का मेन कैमरा, लेकिन आप जो भी फोटो कैप्चर करोगे वो कैप्चर होती है 12 MP में। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने कैमरा ऐप से 108 MP की फोटो भी कैप्चर कर सकते हो दो तरीके से। तो कैमरा को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा फोटो मोड, आपको करना है स्लाइड डाउन। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होगा हाई रेस का और यहाँ पे आपको मिलेगा दूसरा ऑप्शन जिस पे लिखा होगा हाई, आपको उस पे टैप करना है। अब ये येलो में हो जाएगा कन्वर्ट और यहाँ पे इनेबल हो चुका है हाई रेस का मोड, मतलब की 108 MP का मोड यहाँ पे लिखा होगा। अब अगर मैं फोटो कैप्चर करूंगा तो कैप्चर होगी 108 MP में। इसके अलावा और एक तरीका है, आपको जाना है मोर में और यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा HD का ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे अगर आप कोई भी फोटो कैप्चर करोगे तो कैप्चर होगी 108 MP में। तो आप दो तरीके से अपने फोन में 108 MP की फोटो कैप्चर कर सकते हो। अगर आप फाइंडर पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है फोकस और एक्सपोजर का फीचर, आप एक्सपोजर को यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपने गौर किया होगा जहां पे होता है फोकस वही भी होता है एक्सपोजर, मतलब कि दोनों साथ में होते हैं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको फोकस यहाँ पे रखना है और एक्सपोजर यहाँ पे रखना है तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक है, आपको जाना है मोर में, प्रो मोड में, अब आपको यहाँ पे टैप करना है और जो अंदर सर्कल है आपको उस पर लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है। आप देखोगे फोकस यहाँ पे है और एक्सपोजर यहाँ पे, इस तरीके से हमने एक्सपोजर फोकस को अलग कर दिया है। तो आप एक ही फोटो में फोकस एक्सपोजर को अलग अलग करके फोटो कैप्चर कर सकते हो काफी आसानी से। आप इस फोन में बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों को साथ में यूज करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसे कहते हैं ड्यूल व्यू वीडियो। तो इसे यूज करने के लिए आपको जाना है मोर में और यहाँ पे होगा ड्यूल व्यू वीडियो, आपको इस पे टैप करके इसे ओपन करना है। तो आप देखोगे स्क्रीन जो है दो हिस्सों में बढ़ गई है, ऊपर में है फ्रंट कैमरा, नीचे में है बैक कैमरा। दोनों कैमरा को इस तरीके से आप एक साथ यूज करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको अगर स्विच करना हो कैमरा को, ऊपर वाले को नीचे लाना है, नीचे वाले को ऊपर लाना है, तो आपको डबल टैप करना है इस तरीके से कैमरा को स्विच करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 अलग अलग मोड, ये है स्प्लिट मोड, तो आपको इस पे टैप करना है। आप देखोगे ये है स्प्लिट मोड और ये है बबल, तो आपका जो फ्रंट कैमरा होगा इस तरीके से बबल में शो करेगा। हालांकि आप चाहो तो कैमरा को स्विच कर सकते हो, आपको डबल टैप करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाएगा बैक कैमरा और ये है फ्रंट कैमरा। हालांकि आप इसे जहां पे चाहे वहां पे मूव कर सकते हो, आप इस तरीके से देख पा रहे हो, जहां पे चाहे वहां पे प्लेस कीजिए, इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और लास्ट वाला है ओब्लोंग, तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल फ्रेम में जो फ्रंट कैमरा है शो करेगा और आप चाहो तो स्विच कर सकते हो डबल टैप करके और इसे जहां पे चाहे वहां पे मूव भी कर सकते हो सेम तरीके से। आप अपने फोन से पोर्ट्रेट फोटो भी कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो कैप्चर करना हुआ तो आपको जाना है पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन कि आपको बैकग्राउंड में कितना ब्लर सेट करना है, तो आप जो ब्लर लेवल है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस आइकन पे टैप करना है। अगर आपको बैकग्राउंड को ज्यादा ब्लर शो करना है तो आपको इसकी वैल्यू कम पे सेट करनी है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर कम करना है तो आपको इसकी वैल्यू ज्यादा पे सेट करनी है, मतलब कि जैसे आप लेफ्ट में जाओगे तो ब्लर ज्यादा होगा और राइट में जाओगे तो ब्लर कम होगा। इसके अलावा आप अपने पोर्ट्रेट फोटो में फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिलते हैं 13 अलग अलग टाइप के फिल्टर, तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और जाना है फिल्टर्स में। ये रहे अलग अलग फिल्टर, आपको जिस फिल्टर को अप्लाई करना है आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से, फिर कीजिए फोटो को कैप्चर। आप इस फोटो में बर्ड शॉट भी कैप्चर कर सकते हो, मतलब कि कंटिन्यूस शॉट, एक साथ आप 20 फोटो को क्लिक कर पाओगे अपने कैमरा ऐप से। तो आपको शटर पे लॉन्ग टैप करना है और आपके सभी 20 फोटो एक साथ हो जाएंगे कैप्चर। फिर आपको इस फोटो को ओपन करना है, ऊपर में होगा ई आइकन बर्ड फोटो का, आपको इस पर टैप करना है। अब आपको यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे 20 फोटोज, आपको जिस फोटो को रखना है सेव करना है आपको इस पे टिक करना है इस तरीके से। फिर ऊपर में टिक कीजिए और कीजिए कीप द सिलेक्टेड, मतलब कि जो आपने सिलेक्ट किए हैं वही फोटो से होंगे, बाकी हो जाएंगे अपने आप डिलीट। अगर आपको सेल्फी कैप्चर करनी हो तो आप अपने पाम को शो करके भी सेल्फी क्लिक कर सकते हो, मतलब कि आपको अपनी हथेली को शो करना है फ्रंट कैमरे के सामने और आप क्लिक कर पाओगे अपने सेल्फी फोटो को। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा शूटिंग मेथड, इस पर टैप कीजिए और शो पाम को आपको ऑन करना है। इसके बाद फ्रंट कैमरा को ओपन कीजिए, फिर आपको अपने कैमरे के सामने अपनी हथेली को शो करना है इस तरीके से। 15 सेकंड के टाइमर के बाद आपके फोन में कैप्चर होगी सेल्फी फोटो। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसमें जो टेक्स्ट है उसे कॉपी करना है या जो टेक्स्ट है उसे ट्रांसलेट करना है अलग अलग भाषा में, तो आप कैमरा ऐप से काफी इजीली कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं मुझे इसे स्कैन करना है इस डॉक्यूमेंट को, फिर आपको क्या करना है, लेंस का आइकन होगा, आपको लेंस के आइकन पे टैप करना है, फिर आपको ट्रांसलेट के ऑप्शन पे टैप करना है, फिर आपको टैप करना है कैप्चर पे,
आप देखोगे जो जो इंग्लिश वर्ड थे अब यहाँ पे आपको हिंदी में शो करेंगे, मतलब कि हमने इस तरीके से जो टेक्स्ट है उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर आपको हिंदी नहीं किसी और भाषा में ट्रांसलेट करना हो तो आप यहाँ से उस लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। अगर आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना हुआ तो आपको जाना है टेक्स्ट में, फिर आपको कैप्चर करनी है फोटो, और फिर आप इस तरीके से टैप करके ड्रैग करके कॉपी कर सकते हो और जहां पे चाहे वहां पे फिर पेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि आपको पता होगा इस फोन के कैमरा ऐप में आपको मिलता है वाटरमार्क का फीचर, तो जब भी आप अपने फोटो को क्लिक करोगे तो आपको कॉर्नर में इस तरीके से डेटा शो करेगा, फोन का नेम, आपका नेम, डेट, टाइम, लोकेशन। लेकिन आप इस फोन में वीडियो के लिए भी वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आप जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें भी आपको शो करेगा वाटरमार्क कॉर्नर में इस तरीके से। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सबसे पहला होगा वाटरमार्क, आपको इसे ऑन करना है, और ये रहा ऑप्शन ऐड वाटरमार्क टू, आपको इस पर टैप करना है और करना है फोटोज एंड वीडियोस, मतलब कि अब आपके फोटो वीडियो में दोनों में वाटरमार्क ऐड होंगे। इसके अलावा आपको वाटरमार्क में कौन कौन से एलिमेंट को शो करना है, जैसे कि डेट एंड टाइम, कस्टम टेक्स्ट, आपके हिसाब से आप कोई भी जो टेक्स्ट है उसे कर सकते हो ऐड, जैसे कि ईएस टेक्नो, तो यहाँ पे शो करेगा ईएस टेक्नो इस तरीके से। आप फोन साइज को भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको तीन ऑप्शन, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज। इसके अलावा आपको वाटरमार्क कहाँ पे शो करना है, कौन से कॉर्नर पे, तो यहाँ पे ऑप्शन है टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, सेंटर, टॉप राइट, बॉटम राइट, इस तरीके से भी आप जो पोजीशन है उसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप लोकेशन को ऑन करोगे, सेट करोगे, तो आप देखोगे लोकेशन ऑन है लेकिन फिर भी लोकेशन यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसे ऑन करके सेट कीजिए, और यहाँ पे होगा गूगल लोकेशन एक्यूरेसी, टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए, बैक जाइए। अब आपको इसे ऑन करना है, इसके बाद आप देखोगे लोकेशन ऑन हो चुका है, तो जिस प्लेस पे आपने फोटो वीडियो को कैप्चर किया है उस प्लेस का नाम भी अब आपको शो करेगा आपके फोटो वीडियो में। अगर आपको अपने कैमरा ऐप में जूम को एडजस्ट करना हो तो कैसे करोगे, तो आपको जूम नंबर पे टैप करना है, 1x पे टैप कीजिए, अब आपको यहाँ पे शो करेगा जूम स्लाइडर, आप स्लाइड करके जूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि आपको टैप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्वाइप करोगे फिर भी जूम स्लाइडर को इनेबल कर सकते हो इस तरीके से, तो टैप किए बिना बस आपको करना है डायरेक्टली स्वाइप इस तरीके से जूम स्लाइडर पे। आपका फोन जब लॉक होता है, डिस्प्ले ऑफ होता है, तब आप अपने फोन में दो शॉर्टकट तरीके से कैमरा ऐप को क्विकली लॉन्च कर सकते हो, अपने फोन को बिना अनलॉक किए, अपने डिस्प्ले को बिना ऑन किए। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, मतलब कि डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आपको क्विकली कैमरा को लॉन्च करना हो तो कैसे करोगे, तो आपको अपने फोन में वॉल्यूम अप या डाउन दोनों में से किसी भी एक पे करना है डबल प्रेस। आप देखोगे आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है कैमरा ऐप में सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा नीचे ऑप्शन क्विक लॉन्च का, आपको इसे ऑन करना है। इसके अलावा अगर आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होता है, अगर आप यहाँ पे और ड्रॉ करोगे फिर भी आप अपने फोन में ओपन कर पाओगे कैमरा आपको, तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर एंड मोशन में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर को ओपन करके आपको इनेबल करना है ड्रॉ एंड ऑफ टू ओपन कैमरा, इसे ऑन कीजिए। दोस्तों तो ये थे वो टॉप 10 हिडन फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं इस फोन के कैमरा ऐप में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।